वेलकम बैक नाजीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही मज़ेदार चिकन एंड वेजिटेबल पास्ता आपके लिए तैयार किया, और अब हम चलेंगे अपनी दूसरी रेसिपी की जानिब जो कि है चिकन एंड बेजल स्टर फ्राई। नाजबू के पत्तों के साथ हम ये डिश तैयार करेंगे। बहुत कम तेल का इस्तेमाल होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टर फ्राइंग में कम तेल ही इस्तेमाल होता है, और बाइट साइज पीसेस, चाहे वो वेजिटेबल्स हों चाहे वो मीट हो, उनके इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसमें हम आधा कप चिकन स्टॉक का भी इस्तेमाल करेंगे। आइए नाजीन, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवा दूं और साथ साथ आपकी सहूलत के लिए रेसिपी कार्ड भी चलेगा। और मैं इससे पहले कि भूल ना जाऊं, आपको मैंने कुछ हर्बल मॉइस्चराइजर्स, अभी हमें एक कॉल आई थी कि उन्होंने पूछा था कि अब विंटर सीजन आ रहा है और हर्बल मॉइस्चराइजर कौन सा इस्तेमाल किया जाए, नॉट बॉटल्ड, नॉट क्रीम। बॉटल्ड जो होते हैं ऑफकोर्स वो हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हर्बल मॉइस्चराइज़र की बात ही कुछ और होती है। उसके साथ साथ आपको ये एडिशनल चीज़ें भी करनी चाहिए ताकि स्किन और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगे। अच्छा नाजीन, हमें एक अदद प्याज चाहिए जिसको आप बिल्कुल चकोर काट लीजिए, एक अदद शिमला मिर्च चाहिए जिसको भी आप बिल्कुल चकोर पीसेस में काट लीजिए, चार अदद लहसुन चाहिए बिल्कुल फाइनली चॉप्ड, 200 ग्राम हमें चिकन के पीसेस चाहिए जिनको आप क्यूब में कर लीजिए, तीन अदद हमें लाल मिर्चें चाहिए साबुत, उसके साथ हमें 1.5 टेबलस्पून फिश सॉस चाहिए जो नाजीन बहुत आम दस्तियाब है। इसका सब्स्टिट्यूट भी मेरे पास अभी है, मैं आपको देना चाहूँगी। और इसमें 2 टेबलस्पून हमें ऑयस्टर सॉस और 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर और आधा कप हमें चाहिए नाजबू के पत्ते जिनको आप हाथ से तोड़ के शामिल कीजिएगा फॉर मैक्सिमम फ्लेवर। अच्छा जी, इसमें हम ये करेंगे जैसे हमेशा स्टर फ्राइंग में किया जाता है कि आप जिस कढ़ाई में या जिस फ्राइंग पैन में भी तैयार करें उसको आप अच्छी तरह हीट कर लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड के लिए, ताकि वो अच्छी तरह पूरी उसकी जो अंदर की पूरी लाइनिंग है वो अच्छी तरह गर्म हो जाए। एक दफ़ा वो गर्म हो जाएगी उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून्स कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड्स। उतनी देर में हम ये करते हैं कि नाजबू के पत्ते हम इनको अच्छी तरह, या आप स्लाइस कर लीजिए, आप ये भी कर सकते हैं कि इकट्ठे आप इनको साथ बिल्कुल ऐसे लाइन अप करके और इनको बिल्कुल आप स्लाइस कर सकते हैं, थिनली वैसे भी कर सकते हैं और आप तोड़ भी सकते हैं। साथ हम लेंगे जी एक कॉल, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम आप ज़रा कम कर लीजिए, सॉरी जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे नाजीन हमने इसमें 2 टेबलस्पून तेल शामिल कर दिया है, और जैसे ही आप देखिएगा कि तेल में थोड़ी सी शाइन आ गई है, थोड़ी सी शिमर आ गई है, थोड़ा सा चमकने लगेगा, उसमें हम शामिल करेंगे एक अदद प्याज। अच्छा नाजीन, एक और बात आपको कहना चाहूँगी कि स्टर फ्राइंग में भी हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना। यहाँ पर आपने प्याज शामिल किया, अब आपने इसमें साथ ही शिमला मिर्च शामिल कर ली, और आपने 1 से 1.5 मिनट तक इनको बिल्कुल फ्राई करना है ताकि शिमला मिर्च और प्याज का सारा फ्लेवर तेल में आ जाए, वो अच्छी तरह तेल जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाए इन सब के फ्लेवर्स के साथ, तभी चिकन भी आपका सारा सीजन हो जाएगा, मतलब उसमें सारा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपने जैसे ही आपको प्याज और शिमला मिर्च की खुशबू आने लगे, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल तैयार है नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट के लिए। आपने इसमें, और चूल्हे की आंच नाजीन आपने मीडियम पे रखनी है थ्रू आउट, आपने जब इसको स्टर फ्राई करना है बिल्कुल लो पे नहीं होनी चाहिए, अगर लो पे होगी तो वो बजाय स्टर फ्राई होने के वो स्टीम हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें आपने अब हमें खुशबू आने लग रही है, और अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद लहसुन के क्लोव्स, और साथ ही नाजीन लहसुन के साथ साथ हम इसमें 200 ग्राम चिकन क्यूब्स शामिल करेंगे। अच्छा जी, साथ हम लेंगे एक कॉल, कौन है हमारे साथ जी? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रही हूँ बाम गुलशन इकबाल जी। यानी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ जी। यानी आप ना जी, जी आपने जो पास्ता बनाया ना, प्लीज उसे रिपीट कर दीजिएगा, और जो आपने फिश सॉस डाला है ना,
सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या कहा आपने? फिश सॉस जो आपने डाला है वो कहाँ अवेलेबल है ये भी बता दीजिएगा जी। अच्छा, और ये जो तुलसी के पत्ते हैं ना, ये जो आपने नाजुक जी के जी, पत्ते जी, जी 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 बिल्कुल, ये हमें कहाँ अवेलेबल है ये भी बता दें। अच्छा जी। और मुझे ना कश्मीरी चाय बनाना सिखा देंगे आप? क्या चीज? कश्मीरी चाय बनाना। कश्मीरी चाय? अब तो विंटर का मौसम, सर्दियों का मौसम आ रहा है, जरूर बताऊंगी आपको कश्मीरी चाय। हाँ, और प्लीज अभी बता दीजिएगा, 2-4 दिन में बना लें। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह जरूर, मैंने नोट कर लिया। और एनी, ये तुलसी के पत्ते तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, किसी सब्जी वाले से मिल जाएंगे, और जहाँ तक ताल्लुक है नाजबू का, वो अभी हम शामिल करेंगे इस वाली डिश में, स्टर फ्राई वाली डिश में, तो अभी आप देखिएगा। और फिश सॉस का भी इस्तेमाल इसी डिश में हम करेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग, दाफिस। अच्छा नाजिन, फिश सॉस का सब्स्टिट्यूट आप नोट कर लीजिए, अगर आपको 1.5 टेबल स्पून फिश सॉस इस्तेमाल करना है किसी रेसिपी में, जैसे कि हम इस रेसिपी में करेंगे, आप अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको आप एग्जैक्टली 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस ले लीजिए और उसमें 1/2 टीस्पून नींबू का रस निचोड़ लीजिए, तो वो सब्स्टिट्यूट परफेक्ट बैलेंस हो जाएगा फिश सॉस का। अच्छा नाजिन, यहाँ पे चिकन बिल्कुल आप देख रहे हैं कि एजेस जो हैं उसकी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, और हम हिलाते रहे थे चिकन के पीसेस को ताकि एक जगह से वो ज़्यादा ना पक जाए, इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 अदद लाल मिर्चें बिल्कुल तोड़ के। बहुत ही मज़ेदार इजी सी ये डिश है, और साथ ही इसमें सॉसेस, 1.5 टेबल स्पून फिश सॉस, जैसा मैंने अभी आपको इसका सब्स्टिट्यूट बताया, 2 टेबल स्पून इसमें ऑयस्टर सॉस, और नाजिन 1 टेबल स्पून इसमें ब्राउन शुगर। साथ हम लेंगे जी अकॉल, और साथ ही नाजबू के 1/2 कप नाजबू के बाजिल, तुलसी के पत्ते, साथ हम लेंगे जी अकॉल। कौन है हमारे साथ? सलाम अलैकुम। नाजिन, आपने देखा कि जैसे ही हमने ये सब सॉस के इंग्रेडिएंट्स शामिल किए, लास्टली हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चिकन स्टॉक, और इसको अच्छी तरह हीट थ्रू करेंगे अबाउट 1 से 1.5 मिनट, जब तक आप देखिएगा कि ब्राउन शुगर की वजह से जो आपने चिकन स्टॉक शामिल किया वो बिल्कुल थिक हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपने 1 से 1.5 मिनट इसको हिलाते रहना ताकि नाजबू का, तुलसी के पत्तों का सारा फ्लेवर सॉस में आ जाए, और थोड़ा सा ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। और वही हो रहा है नाजिन, आपने देखा कि कितनी झटपट ये डिश तैयार हो गई है, बस आपने 1/2 मिनट और इसको हिलाना है बस। और अब मैं चूल्हा बंद करूँगी, इसको आप स्टीम्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और वैसे भी जो लोग डाइट कर रहे हैं वो लोग वैसे ही इसको चिकन और वेजिटेबल्स के तौर पे इंजॉय कर सकते हैं, और काफ़ी ये फिलिंग है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल है और चिकन का भी। अच्छा नाजिन, यहाँ पे चूल्हा मैं बंद करूँगी, और साथ ही मैं आपको हर्बल मॉइस्चराइज़र बताऊँगी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो विंटर में हो चाहे वो समर में हो। एलोवेरा का पौधा मिलता है नाजिन बहुत सी नर्सरीज पे, बहुत से गार्डन शॉप्स पे, जो जो आप तोड़ के अगर उसको तोड़ेंगे तो उसमें से एलोवेरा बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि जो हम बॉटल्ड खरीदते हैं उसमें सारा प्योर फॉर्म तो नहीं होता, उसमें ऑब्वियसली उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, मिक्सचर्स भी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल प्योर फॉर्म है। अगर आप उसकी उसका पत्ता तोड़ें तो बीच में से बिल्कुल प्योर एलोवेरा निकलेगा, बहुत इकोनॉमिकल है, बिल्कुल इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप वो प्योर फॉर्म एलोवेरा का मॉइस्चराइज करें सुबह और शाम, आप देखें कि 3-4 हफ्ते में आपकी स्किन कितनी अच्छी लगेगी। अच्छा नाजिन, साथ हम लेंगे एक कॉल, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? जी मैं मिसेस सारी बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। वो मेरी बेटी 3 साल की है, वो बहुत वीक है ना। अच्छा, ना कुछ खाती है ना पीती है। अच्छा, के लिए बता दिया कुछ और क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी में कह नहीं के कुछ क्या खाऊं उसका भी बता दीजिएगा। आप फॉलिक एसिड खा रही हैं दिन में? जी जी फॉलिक एसिड। आप खूब सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी कभी इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि पालक, जैसे कि खीरा। जी जी, जितनी भी ज्यादा हरी वेजिटेबल्स हैं उनको आप अपने डाइट में शामिल कीजिए। और जहाँ तक आपकी बेबी का ताल्लुक है, मैं आपको कोशिश करूँगी कि आज ही प्रोग्राम के एंड में आपको कुछ ऑप्शंस दे दूँ जो आप ट्राई कर सकते हैं। चलें सही है, अभी तो मेरी लाइट चली गई वरना आ रही होती है, पर
और ये आप बता दीजिएगा, मैं रिपीट में देख, नहीं तो मैं कल के प्रोग्राम में आपको बता दूंगी, तो आप नोट कर लीजिएगा। चलो ठीक है, थैंक यू जी फॉर कॉलिंग, तो नाज़रीन मैं अब वक्त हुआ है ये डिश स्टर फ्राइड बेजल सर्व करने का। ये देखें इतनी रंगारंग, जबरदस्त, फुल ऑफ फ्लेवर एंड हेल्दी एंड डिलिशियस। ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है और मैं यहाँ पे साइड पे इसको थोड़ा सा कर दूँ। थोड़ा सा इसको मैं साफ कर देती हूँ। तो नाज़रीन आपने देखा कि कितनी झटपट ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है और इजी रेसिपीज़ हैं जो आप फटाफट स्पर ऑफ द मोमेंट बिल्कुल इनको तैयार कर सकते हैं। उन्हीं का मज़ा होता है, उन्हीं में सारी फ्रेशनेस और फ्लेवर भी होता है। साथ हम लेंगे जी एक कॉल, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। उज़्मा बात कर रही हूं। जी मैंने पहचान लिया आपकी आवाज़। ठीक जी उज़्मा, रेगुलर कलर हो गई जी। आई नो माशाल्लाह जी उज़्मा, बताइए जी। मैंने कहना था कि आपकी ना एक तो ही वाली बात है कि आपकी डिशेस बड़ी सिंपल और डिफरेंट है, बहुत अच्छी जल्दी से बन जाती है। मैंने तकरीबन सारी ट्राई कर ली है। अच्छा, एक्सेलेंट, थैंक यू। बहुत अच्छी है। और मैं पता है कि जैसे कि आप बोरी होती है ना, मैं लिस्ट बना के अम्मी को दे देती हूँ, वो ले आती है, मैं फोटो बना लेती हूँ। एक्सेलेंट, ये तो बड़ा जबरदस्त सिस्टम बनाया हुआ आपने। बहुत जबरदस्त जी उज़्मा। जी जी जी, रसमलाई जो पनीर वाली बनती है ना, वो भी बताएं। अच्छा वो बनाओ। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह जरूर। अब ईद का भी बहुत रेसिपीज इंशाल्लाह आने वाली हैं, तो उसमें इंशाल्लाह हम फिट ट्राई करेंगे कि वो फिट कर लें। ठीक है, ठीक है। और मैंने पूछना था जी, स्किन पे जो बाल आ जाते हैं जी, हार्मोन्स प्रॉब्लम की वजह से, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आते हैं, और ये मोटापे का भी, मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा प्लीज। मैं आपको कल के प्रोग्राम में जरूर करूंगी। एक मास्क आता है, अगर आप उसको रेगुलरली लगाएं तो उससे बहुत आपको फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, खास किस्म का, मैं आपको कल बताऊंगी प्रोग्राम में। थैंक यू उज़्मा फॉर कॉलिंग। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आके डिशेस आपकी बिल्कुल तैयार हैं और एक फाइनल आपको ब्लड प्रेशर की टिप भी मैंने देनी है, तो कहीं मत जाएगा। कीप वॉचिंग अस, स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक।